महिला मोर्चा सगाली, आज मेरा मीडिया में आने का यही है कि आज बहुत खुशी का दिन है महिला के लिए, क्योंकि नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 को हमारे नरेंद्र मोदी सरकार ने पास कर दिया। इसलिए हमें नरेंद्र मोदी को थैंक यू कहने के लिए सभी सगाली के महिला आए हैं। ये बिल को पास करने के लिए तो 7 इयर्स लगा है, पार्लियामेंट से कोशिश हुआ था लेकिन नहीं हुआ। आज हमारे नरेंद्र मोदी लीडरशिप के अंदर में ये बिल आज पास हुआ है, इसलिए हम महिला बहुत खुशी हैं। सगाली महिला और सभी देश के महिला तो आज का दिन में बहुत खुशी होगा। और इसमें 33 रिजर्वेशन सीट असेंबली और पार्लियामेंट औरत के लिए रिजर्व होगा। इसमें कई जगह में औरत जो काम करने के दिल है और कभी मौका नहीं मिला, उसको मौका मिलेगा। और खास करके ST SC OBC औरत लोग को मौका मिलेगा, मैं यही उम्मीद करता हूँ। और इसलिए सगाली हमारे दिल में बहुत मोदी सरकार को थैंक यू, और मोदी जी जैसा और प्रधानमंत्री हर साल में आते रहने से दिखे, थैंक यू मोदी जी को। वोमेन के लिए तो बहुत कुछ काम किया, आप देखिए मीडिया भाई जी, आप देखिए पहले तो हम लोग का औरत बहुत तकलीफ में था, क्योंकि ऐसे भी मीडिया में आने के लिए बहुत प्रॉब्लम था, क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप पर्स में बताऊंगा सेल्फ हेल्प ग्रुप खुला था, उसमें तो सेल्फ हेल्प ग्रुप तो मोदी ने आने से पहले था, लेकिन उसमें अच्छा से नहीं चला पाया सेल्फ हेल्प ग्रुप को, ये पूरा मिक्स करके एनजीओ हो सब चलाया था। जब मोदी सरकार आया बोला कि औरत लोग को ये पावर सेल्फ हेल्प ग्रुप को अच्छा से चलाने देने से औरतें सब कुछ चला सकता है बोल के औरत को सेल्फ हेल्प ग्रुप को डायरेक्ट पावर दिया। उसका बाद सेल्फ हेल्प ग्रुप में हम लोग का औरत जोड़ के ग्रुप बना के उसमें मीटिंग बैठा, मीटिंग बैठने का बाद अपना नाम परिचय करने के लिए सीखा उठ के, उसका बाद बिजनेस बारी में सब कुछ में औरत लोग सीख किया। अभी हमारे मोदी सरकार ने बीजेपी सरकार ने बहुत औरत को सब कुछ देता है, क्योंकि ग्रुप में जो जुड़ के औरत लोग काम कर रहे हैं उसको बेनिफिशियरी ये का सोंगर पीक का लोन देता है, मुर्गी का क्या क्या लोन देता है, उसमें देके हमारे औरत आजकल बहुत आगे हो गया बिजनेस में, जो भी बात करने में बोलने में आगे हो गया। उसका बात हो सिर्फ नहीं, आज देखिए हम लोग का औरत में तो पहले बहुत लकड़ी भूखे जंगल से लकड़ी काट के लकड़ी भूखे काम करने के लिए ये गैस नहीं था, उसका बाद ये लकड़ी ये काट के गैस में खाना पकाता था। आजकल वो भी ये हो गया, थोड़ा कम हो गया, थोड़ा सिर्फ नहीं है सब बहुत कम हो गया, क्योंकि उसके चलते उस दिन ये को भी गैस का दाम भी कमती कर दिया। उसमें हमारे बेटी और दीदी और बहनें बहुत अच्छा मिला है ये को मोदी सरकार को। उसका बाद पहले हम लोग जब देखा था, हम लोग छोटा समय में भी देखा था, मेरा माँ ने वो हम लोग को ये बच्चा को गोद में बुक के उसका बाद पानी बोतल ये में पूरा ये में टोकरी में लगा के दूर दूर से पानी भुका था, वो भी आजकल बंद हो गया। मोदी सरकार के ओर से जल जीवन मिशन आया, हर घर में नल हो गया, हर घर में पानी आराम हो गया। अभी खाना पीना हो सब बनाने के लिए, बसन बत्ती धोने के लिए, कपड़ा सपड़ा धोने के, घर सर सफाई सपा सफी बैठने के लिए बहुत आराम हो। मोदी सरकार ने क्या नहीं किया सब कुछ औरत के लिए किया। आज मैं ये सोचता है कि औरत आगे निकले, आप लोग भी ये को अच्छा दिन को आप लोग भी निभाए, अच्छा दिन को अच्छा काम कीजिए, आगे निकलने के हमारे औरत लोग भी आगे निकलने के लिए कोशिश कीजिए, आप लोग पीछे में ना रहे, क्योंकि हमारे बीजेपी सरकार और मोदी सरकार ने आज औरत के लिए बहुत गिफ्ट किया, बहुत गिफ्ट दिया है आज का दिन में। इसलिए कल को मेरा औरत लोग भी जितना नारी शक्ति लोग भी आगे लेके लेदर में भी आ सकती है, पंचायत लेदर में भी, MLA पार्लियामेंट में भी आज का दिन में आ सकती है। थैंक यू सरकार को और फेमा कांदू जी को थैंक यू, मैं यही कहना चाहता हूँ।